नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडिजेट। फरीदाबाद में इंसानियत को संचार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी थाने के अंदर एक महिला को बेल्ट से बर्बरता पूर्वक पीट रहे हैं। वीडियो की जांच करने पर सामने आया है कि घटना बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने की है, जहां थाना परिसर में खड़ी महिला को बुरी तरह पीटा जा रहा है। वहीं पुलिस की इस हैवानियत भरी कार्य प्रणाली पर महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने संज्ञान लिया है। पुलिस कमिश्नर एवं डीजीपी को मामले की जांच के लिए अपील की है। उधर इस मामले में एसीपी बल्लभगढ़ ने पुलिस कर्मियों की पहचान कर ली है। प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया है कि घटना में संलिप्त 5 पुलिस कर्मी एससी बलदेव, रोहित एवं एसपीओ कृष्ण हरपाल और दिनेश के खिलाफ मारपीट, महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने इत्यादि धाराओं के अंतर्गत थाना आदर्श नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने तुरंत प्रभाव से घटना में संलिप्त 2 हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया और अन्य 3 एसपीओ को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने बताया है कि पीड़ित महिला की तलाश की जा रही है, उससे संपर्क करके बयान दर्ज किए जाएंगे। मामले की गहनता से जांच की जाएगी और पीड़ित महिला को हर संभव न्याय दिलवाया जाएगा। समाचार टीजेड के लिए बल्लभगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी मैंने देखी है वीडियो में, उस वीडियो की हम जांच करवा रहे हैं और जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से एक महिला को पुलिसकर्मी बेल्टों से पीट रहे हैं, क्या मानते हैं सर, कितने मतलब सही है? नहीं है, गलत है, जैसे पीटता दिखाई दे रहा है ये गलत है। इससे मैं दो पुलिसकर्मी इसमें शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई जांच कराने का कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ पुष्टि हो पाई है कौन लोग हैं, किस थाने से हैं, किस चौकी से हैं? हाँ, अभी पता चला है आदर्श नगर थाने के हैं, 3 आदमी हैं, बलदेव है, एक रोहित है, तीसरे के हम पता करा रहे हैं कौन आदमी है। क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होगी? जिस तरीके से पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है, महिलाओं की रक्षा की बात करती है, एक महिला के साथ इस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है, तो क्या पुलिस पर कार्रवाई करेगी? कार्रवाई करेगी, जो कानूनी कार्रवाई बनती है, जैसे केस रजिस्टर करने केस रजिस्टर किया जाएगा। जो महिला की पता चला है कहाँ की है महिला? महिला का अभी हमारा पता नहीं चला है, अभी पता कर। कब तक इसमें कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि अभी किसी तरह की शिकायत आई नहीं, केवल वीडियो ही वायरल हुई है, इसकी पता कर रहे हैं। महिला को होती उनकी दरखास्त दी जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है कार्रवाई करेगी। देखिए, मेरे पास भी वो वीडियो पहुंचा है और मैंने उसे बड़े आराम से गौर से देखा है। उसमें जिस तरह से उस महिला से पूछताछ की जा रही है और फिर बाद में पूछताछ के दौरान उस महिला को बेल्टों से पीटा जा रहा है, जो कि देखने में वही सरकारी बेल्ट है जो उस पुलिस वाले की होगी, ये एक अपराध है, ये गलत है। यदि कोई भी महिला किसी तरह के भी अपराध में फंसती है या चोरी के किसी भी जुर्म में, तो उसकी पूछताछ इस तरह से नहीं की जा सकती। उसकी पूछताछ के लिए महिला थाने बने हैं, महिला पुलिस है, विमेन ऑफिसर को बुलाया जा सकता है। किसी भी स्तर का वो अपराध हो, छोटा बड़ा, और जिस कानूनी तौर पे जो भी अधिकारी उनके सपुर्द किया जाए, जिसके ऑफिशियल ड्यूटी बनती है, उनके पास उस महिला को भेजना चाहिए था। परंतु ये जो 3 पुलिस अफसरों ने किया, और मज़े की बात यह है कि वीडियोग्राफी भी ऐसे मालूम होता है पुलिस वाला ही कर रहा है, क्योंकि जिनके पास पहला वीडियो गया है वहाँ से अगर आप साइबर क्राइम के माध्यम से भी पता करें कि पहला वीडियो किसने भेजा है, तो उन्हीं का शक आ रहा है कि ये पुलिस के किसी कर्मचारी का वीडियो है। तो ये बहुत गलत बात है, इसके खिलाफ मैंने सीपी साहब को और डीजी साहब को फॉरवर्ड कर दिए हैं दोनों वीडियोस, और मैंने लिख के भेजा है, एसीपी धारणा सिंह को भी मैंने फॉरवर्ड किया है और लिख के भेजा है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या तरीका है किसी भी महिला से पूछताछ करने का, इसका वो संज्ञान लें और फिर उसके बाद रिपोर्ट करें कि ये क्या सिस्टम है पुलिस के रवैये का, और जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो मैम क्या कदम उठाएंगे आप? मैं वेट कर रही हूँ, मैं कमिश्नर साहब को मैंने मैसेज किया है, मैं वेट कर रही हूँ कि उनका क्या जवाब आता है, अदरवाइज़ मैं उनसे मिलने जाऊंगी कि इस तरह से अगर आप पुलिस वाले महिलाओं को पकड़ पकड़ के लाएंगे और इस तरह से वो बदसलूकी करेंगे तो कौन विश्वास करेगा पुलिस पे, इसी खौफ से कि पुलिस का खौफ किसी औरत को ना हो, इसीलिए तो महिला थाने बनाए गए हैं और महिला अधिकारी से अपॉइंट की गई है।
तो इस तरह से करने का क्या रीज़न है? वहाँ के उस थाना के SHO को, वहाँ के जो ये तीनों चारों पुलिसकर्मी जो ये कर रहे हैं, एक तो यूनिफॉर्म में है, तीन और की पहचान भी हो गई है, बल्लभगढ़ के बहुत लोगों ने उनकी पहचान की है, तो पूरा संज्ञान लिया जाएगा और एक्शन होगा।